शुरुआत कोलकाता रेप केस से कर रही हूं मैं। वाकई में एक दिल दहला देने वाली घटना। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन? मुझे पढ़ते ही लगा कि लीजिए एक और निर्भया। और मैं होप कर रही थी कि ये अंडर कार्पेट स्वीप ना हो जाए, जैसे हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है या पुलिस का रहता है। और यही देखने में आया कुछ शुरू के कुछ दिनों में कि वैसा ही कुछ किया जा रहा है। इतना ग्रूसम इंसिडेंट, वो भी वर्क प्लेस पे, जहां हम सोचते हैं कि हमारी बेटी या हमारी फ्रेंड सेफ रहेगी। वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू वर्क एंड वी थिंक दैट दे आर सेफ ओवर देयर। हमें ऐसी ग्रूसम इंसिडेंट्स जो मिलते हैं रास्तों में, सड़कों पे, अंधेरे में, ये सब चीज़ें, लेकिन एक जगह जहाँ डॉक्टर, वो भी हॉस्पिटल में जो लगता है कि सेफली काम करेगी, वहाँ पर कोई आउटसाइडर अंदर आकर उसका इस प्रकार से रेप करे जो दिल दहलाने वाला हो और फिर मर्डर हो जाए उसका, बहुत बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था। और उसके बाद के दिन बहुत शॉकिंग थे, क्योंकि देखा गया कि जैसे हमेशा होता है पुलिस का रवैया कि कितने घंटों बाद FIR हो रहा है या फैमिली को लेट बताया जा रहा है या एक इन एक व्यक्ति को पकड़ा और उसी को बोल दिया कि ये मेन अक्यूज्ड है बिना इन्वेस्टिगेशन किए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस केस में भी, जैसे औरों में भी होता है। और मुझे लगता है 9 साल काम करने के बाद मैं कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट हो गया कि मेरा दिमाग CBI की तरह ही चलने लगा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ ऐसे मैटर्स, क्योंकि दिमाग ऐसे ही चलता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह। तो इसमें भी मुझे लगता है मैंने जो पिन पॉइंट शुरू में किया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट अब वो क्वेश्चन कर रहा है या उस ऑब्जर्वेशन के साथ बाहर आ रहा है। कल से मैं सुप्रीम कोर्ट को सुन रही थी पूरा दिन। कैसे वो व्यक्ति को पता चला कि वो अंदर एक डॉक्टर सो रही है जिसको वो इस तरह से रेप कर सकता है? क्या उसके माइंड में था? वो अंदर कैसे घुसा? किसने घुसने दिया? पुलिस ने क्यों नहीं वेरीफाई किया उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया बिफोर दे केप्ट हिम एज अ वॉलंटियर इन द पुलिस? वाई दे वर पेइंग हिम द सैलरी एंड अ हाउस इन साइड द पुलिस कॉलोनी? कितने लोग पुलिस कॉलोनी में भी अनसेफ रहे होंगे जब वो वहाँ था? और वही नहीं, प्रिंसिपल को आपने जाने दिया स्कॉट फ्री, यू गेव हिम अ जॉब इन नेक्स्ट विदाउट क्वेश्चनिंग हिम। बायोलॉजिकल जितने प्रूफ इकट्ठे करने होते हैं वो इतने डिले थे, उसके कपड़ों के साथ हासिल किया गया, वो पहले नहीं किए, पहनाने की कोशिश की गई बॉडी के ऊपर, आप उसको छू रहे हो बिना ग्लव्स के, बिना आप सारे प्रूफ हटा रहे हो, आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, एविडेंसेस के साथ प्ले करने की कोशिश की गई, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ पर तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो अब मुझे नहीं पता कि जो एविडेंसेस कलेक्ट कर पाई CBI कितने ऑथेंटिक होंगे आफ्टर सो मैनी पीपल वॉकिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स। और ये सारे क्वेश्चन, IO जो था उसने कितना डिले क्यों करा FIR करने में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मेरे ख्याल मुझे ये दे दे तो मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन करूं जो उन्होंने सोचे भी ना हो कि कैसे ये हो सकता है एक हॉस्पिटल के अंदर। और पेरेंट्स को आप झूठ बोल रहे हो, पहले आप कह रहे हो सुसाइड है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उस बॉडी को आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर देखी हो तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कितना बुरा हाल था उसका, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा है कि बॉडी का ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं था जिस तरह से उसका रेप हुआ है। कितनी जगह चोटें हैं, कितनी जगह स्ट्रैंगुलेट किया गया, उसका मुंह दबाकर उसको मारने की कोशिश की गई, इंसर्ट किया गया, क्या क्या चीज़ें। सो इट वॉज आई थिंक मोर ग्रूसम देन द निर्भया केस। एंड दिस इज हैपनिंग, लाइक आई थिंक पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द वीमेन एंड देयर बॉडी आफ्टर निर्भया, कि इससे ज़्यादा ग्रूसम क्या हो सकता है। वही मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक ग्रूसम। और कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो है ना, मुझे हम सिकनिंग माइंडसेट की तरफ जाते जा रहे हैं। हम कहते हैं इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी सोच ऐसी है, लेकिन
अलग दिखने को मिलता है, ये जहाँ तक कि ये मैटर्स जब सामने आते हैं, मुझे लगता है जो हम कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं या हम कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट वीमेन इन आर कल्चर, वो कहीं पीछे छूट गए हैं। और फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, हम किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं और क्यों हम इतना फ्री इंटरनेट दे रहे हैं। और जो भी हमने इसमें भी देखा कि वो ये जो अभी पकड़ा गया एक व्यक्ति, वो भी हमेशा पॉर्न देखता रहा। तो ये पोर्नोग्राफी, ईजिली अवेलेबल इंटरनेट, ये बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है।